नमामि धन्वंतराय नमः। हेलो गाइस, आयुर्वंगे वेलकम्स यू। सो गाइस, आयुर्वंगे चैनल के माध्यम से आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है, मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, देखा जाता है उस चीज़ को। तो जॉइंटिस की हम बात कर रहे हैं। जॉइंटिस एक हमारा साइन है जिसको मतलब एक वास्ट टर्म है, जो एक पूरी की पूरी एक वास्ट डिसीज़ है। इसके बारे में बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक चीज़ की बात करूंगा जॉइंटिस की, इसको आप समझ लेंगे तो आप जॉइंटिस का एक 50% पोर्शन आप समझ जाएंगे। तो आप यहाँ पर इस पेज को बहुत अच्छे से समझिए। तो सबसे पहले मैं जॉइंटिस की बात कर रहा हूँ, जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हैं जॉइंटिस लिखा है, उसके बाद लिखा हुआ है येलो इज डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड स्क्लेरा। मतलब जो हमारे व्हाइट डोमिनेंसी पार्ट होते हैं हमारी बॉडी के, वहाँ पर ये इजिली दिखाई देता है, वहाँ पर येलो इज डिस्कलरेशन आपको दिखाई देगा। क्यों? तो आप साइड में अब यहाँ पर आ जाइए तो आप देख पा रहे हैं बिली रूबिन जो होता है उसका डिपोजिशन हो जाता है किसमें, हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में। तो उससे क्या जाती है कंडीशन, हाइपर बिली रूबिनीमिया हो जाता है। और उसके डिस्टरबेंस होने में, किस चीज़ के डिस्टरबेंस होने में, प्रोडक्शन और एलिमिनेशन के डिस्टरबेंस होने में। वहाँ पर क्या होता है, जैसे कि मान लो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है और उसका एलिमिनेशन नहीं हो पा रहा है, वो निष्कासन नहीं हो पा रहा है उतना, तो हमारी बॉडी में उसकी कुछ ना कुछ अमाउंट रेगुलर बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, तो वो क्या करती है, हाइपर बिली रूबिनीमिया कर देती है, जिसके कारण जॉइंटिस हो जाता है और येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड स्क्लेरा हो जाता है। यहाँ पर आप दूसरा देख भी पा रहे हैं, बिली रूबिन के नीचे देख पा रहे हैं आप येलोइश पिगमेंट होता है बिलीरुबिन, जो कि हमारे लीवर में होता है। ठीक है, तो हेमोलाइसिस जब होता है, हीमोग्लोबिन जब टूटता है, तब ये बनता है। आगे हम इसको देखेंगे। तो एक बेसिक वे है, इसको आप समझिए पहले। अब हम बात करते हैं सीरम बिलीरुबिन लेवल की। तो देखिए, सीरम बिलीरुबिन लेवल जो होता है, अगर मोर देन 2 mg/dl हुआ तो वहाँ पर आप वो कंडीशन क्या क्रिएट कर देगा, जॉइंटिस की कंडीशन को क्रिएट कर देगा। अब यहाँ पर देखिए, जॉइंटिस इज नॉट अ डिसीज बट रेदर अ साइन डेट कैन अकर इन मैनी डिफरेंट डिसीज। तो जो जॉइंटिस है वो कोई डिसीज नहीं है, साइन है जो कि बहुत सारी डिसीज का एक सूचक हो सकता है। तो अब इसके बाद यहाँ पर बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म की हम बात करेंगे, जो कि आप ऊपर देख रहे थे। तो उसमें देखिए, सबसे पहले जो बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म है वो मैंने आपको जैसे बताया, हीमोग्लोबिन से स्टार्ट होगा। तो हीम और ग्लोबिन को आप अलग कर लीजिए, ग्लोबिन जो कि प्रोटीनस पार्ट होता है वो अलग हो गया। हीम जो होता है उसमें क्या होता है, हीम ऑक्सीजिनेज एंजाइम वहाँ पर आता है, जो कि क्या कराता है, ऑक्सीडेशन कराता है और हीम को बिलीवर्डिन में चेंज कर देता है। उसके बाद बिलीवर्डिन के बाद में बिलीवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम वहाँ पर आता है। रिडक्टेज मतलब उसमें से एक एच आयन निकालने वाला आता है, जो कि उसको किस चीज़ में चेंज कर देता है, अनकॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन में चेंज कर देता है, जो कि क्या होता है, हमारा एक टाइप का लिपिड होता है। उसके बाद देखिए, अनकॉन्जुकेटेड के बाद आता है कॉन्जुकेटेड, तो वो किसकी प्रेजेंस में चेंज हो रहा है, तो आइए देखते हैं। अनकॉन्जुकेटेड टू कॉन्जुकेटेड UDPGT आप यहां पर देख पा रहे हैं, जिसकी फुल फॉर्म आप देख पा रहे हैं, यूरिडाइन 5-डाइफॉस्फोग्लुकोरोनोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है। इसकी प्रेजेंस में ये कॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन में चेंज हो जाता है। ये कॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन यहाँ पर आकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कुछ पार्ट किडनी में चला जाता है, कुछ पार्ट इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो जो किडनी में जाता है पार्ट, वो बनता है हमारा यूरोबिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन जो बनता है उसका कुछ 3-5% पार्ट लीवर में चला जाता है, बाकी पार्ट किडनी के द्वारा, यूरिनेशन के द्वारा बाहर निकल जाता है। उसके बाद जो कुछ पार्ट इसका इंटेस्टाइन में गया था, वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और वो क्या करता है, एस्टर को बिलीनोजन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारे फैकल्मेटर के साथ बाहर निकल जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। तो ये एक प्रकार का बेसिक मेटाबॉलिज्म है, ये इसकी इटियोपैथोलॉजी है हमारे जॉइंटिस की। इसको आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये आपका आया तो 50% आप जॉइंटिस को कवर कर लेंगे। अब इसी क्रम में आगे चलते हुए अगर हम बात करें, तो आइए बात करते हैं कॉजेज क्या है बिलीरुबिन के इंक्रीज होने के। तो देखिए, यहाँ पर ओवर प्रोडक्शन ऑफ रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम जो होता है, मतलब कि जहाँ पर हमारा एरिथ्रोपोइसिस होता है और वहाँ पर रेटिकुलोसाइट्स बनती है, इमैच्योर RBC जिसको कहा जाता है, उसका ओवर प्रोडक्शन वहां पर अगर हो रहा है, या फिर फेलियर ऑफ हिपेटोसाइट अपटेक, मतलब जो हिपेटोसाइट्स है उनका अपटेक जो है, जो हमारे लीवर सेल्स है उनका अपटेक कम हो गया है, तो वो बिलीरुबिन को नहीं कंज्यूम कर पा रही है, तो वहां पर भी हो सकता है। ब्लॉकेज ऑफ बाइलरी एक्सक्रेशन जो हमारा होता है, मतलब कि जो बाइल डक्ट होती है उनमें कोई आपका ब्लॉकेज आ गया है, तो वहां पर अगर किसी पाइप में कोई ब्लॉकेज आ जाता है तो वहां पर पानी इकट्ठा होता चला जाता है, उसी तरीके से यहां पर बाइल इकट्ठा होता चला जाता है, जिसमें कि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होते हैं। इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंटिस की। तो देखिए, टाइप्स ऑफ जॉइंटिस में प्री हिपैटिक, हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक तीन प्रकार के बताए गए हैं। तो प्री हिपैटिक कैसे होता है, तो इसमें देखिए क्या चीज होती है, बिलीरुबिन इंक्रीज अमाउंट प्रेजेंट इन लीवर ड्यू टू हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, बिलीरुबिन की जो इंक्रीज अमाउंट है, क्योंकि हीमोलाइसिस हो रहा है तो बिलीरुबिन भी बन रहा है, तो वो लीवर में प्रेजेंट जो उसकी अमाउंट है वो लगातार बढ़ती चली जाती है। हिपैटिक की बात करते हैं तो देखिए, एबनॉर्मल सिक्रीशन बाय लीवर सेल ऑफ बिलीरुबिन, मतलब कि जो लीवर सेल है वो कंट्रोल में नहीं है और एबनॉर्मल सिक्रीशन
बिलीरुबिन करे जा रही है, कंटिन्यू उनके साथ जो उनका सिक्रीशन है वो होता जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें पोस्ट हिपेटिक से, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे कि हमने बताया कि बाइल डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है या फिर कहीं पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है बॉडी में जहाँ से कि बाइल सिक्रीट नहीं हो पा रहा, आगे तक नहीं जा पा रहा है, एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर आपको पोस्ट हिपेटिक कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके बाद देखिए सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो एलिवेटेड अनकॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन, जो प्री हिपेटिक है वहाँ पर अनकॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन का जो लेवल है वो आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा। हिपेटिक में दोनों आपको दिखाई देंगे, एलिवेटेड बहुत कॉन्जुकेटेड एंड अनकॉन्जुकेटेड आपको जो वहाँ पर बिलीरुबिन है दोनों बढ़े हुए दिखाई देंगे, और पोस्ट हिपेटिक में एलिवेटेड कॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन, तो आपको यहाँ पर कॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ दिखाई दे सकता है। इसके एग्जांपल देख लीजिए प्री हिपेटिक के, तो हिमोलाइटिक एनीमियस का एक एग्जांपल है। हिपेटिक में आप देख लीजिए हेपेटाइटिस, सिरोसिस, लिवर सिरोसिस जो होता है, रोटर सिंड्रोम्स यहाँ पर बताए गए हैं। उसके बाद पोस्ट हिपेटिक में अगर हम बात करें ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो गॉलस्टोन आपको वहाँ मिल सकती है, मैलिग्नेंसी वहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, और इन्फ्लेमेशन आपको वहाँ पर देखने को मिल सकता है। भाई ये कुछ बेसिक चीज़ों की बात करते हैं, जैसे कि यूरिन जो है वो प्री हिपेटिक में कैसा रहेगा, पोस्ट में कैसा और हिपेटिक में कैसा रहेगा, स्टूल और प्रूराइटस कैसा रहेगा। तो देखिए प्रूराइटस का मींस होता है इचिंग, तो पहले यूरिन की बात करते हैं। तो प्री हिपेटिक में नॉर्मल रहता है यूरिन, हिपेटिक में डार्क हो जाएगा उसका कलर, येलोइश कलर लेना लगेगा, और पोस्ट हिपेटिक में भी डार्क ही रहेगा वो। स्टूल देखिए प्री हिपेटिक में नॉर्मल है, हिपेटिक में भी नॉर्मल है, पर पोस्ट हिपेटिक में अल्कोहलिक, उसमें स्मेलिंग जो रहेगी अल्कोहलिक रहेगी। प्रूराइटस अगर देखा जाए तो जैसे कि मैंने बताया प्रूराइटस मींस इचिंग होना वहाँ पर, तो इचिंग जो प्री हिपेटिक है उसमें नहीं रही, हिपेटिक में भी नहीं रहेगी, पर पोस्ट हिपेटिक में वहाँ पर उस पेशेंट को आपको इचिंग देखने को मिल सकती है। तो ये बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है, अब आइए बात करते हैं आगे अदर टाइप्स जो इसके बताए गए हैं। तो उसमें सबसे पहले आप देखिए पैथोलॉजिकल है, फिर उसके बाद गिल्बर्ट सिंड्रोम है, उसके बाद अगर हम देखें तो लास्ट में हमारा आता है नियोनेटल जॉइंटिस, यानी कि जो बच्चों से, जन्मजात बच्चों से जो होता है उनसे रिलेटेड होता है। तो इसमें देखिए जो पैथोलॉजिकल है उसमें सिफेलिस हो सकता है, रूबेला हो सकता है इस पेशेंट को, हर्पिस सिंप्लेक्स एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, या फिर वहाँ पर हिमोलाइटिक डिसीज़ हो सकती है। तो इस कारण से वहाँ पर उसको जो है पैथोलॉजिकल कंडीशन देखने को मिल सकती है, और ये विद इन 24 आवर्स के अंदर ही जो है विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद अगर हम गिल्बर्ट की बात करें तो देखिए गिल्बर्ट जो है, जैसा कि हमने वहाँ पर पढ़ा था पीछे अभी पैथोलॉजी में, पैथोफिजियोलॉजी जो हमने पढ़ी थी, कि वहाँ पर जो हमारा अनकॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन था वो कॉन्जुकेटेड में कन्वर्ट हो रहा था, UDPGT एक एंजाइम था हमारा, यूरिडाइन डाइफॉस्फेट, तो उसके अगर जो उसकी एक्टिविटी है उसको ये कम करा देता है, तो ये कॉन्जुकेटेड में कन्वर्ट नहीं हो पाता, और कॉन्जुकेटेड में कन्वर्ट नहीं हो पाता तो ईजिली जो हमारा इसका एलिमिनेशन है बिलीरुबिन का वो भी नहीं हो पाता, और वहाँ पर इसकी जो बिलीरुबिन है लगातार इसकी अमाउंट जो है वो लगातार इंक्रीज होती चली जाती है, तो वहाँ पर जो है हमारी जॉइंटिस की कंडीशन क्रिएट हो जाती है, इसको ही गिल्बर्ट बोला गया है। इसके बाद अगर नियोनेटल की बात करें तो देखें इंट्रायूटराइन इन्फेक्शंस या फिर ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग पर ही निर्भर होता है बच्चा, वो इसमें ज़्यादा डोमिनेंट रहती है, और इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है 2 से 5 दिन में अपीयर हो जाती है उसमें बिलीरुबिन, जो जॉइंटिस के सिम्टम्स हैं वो 2 से 5 दिन के अंदर अंदर आपको दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर इसका अलग से एक टॉपिक है, इसको बता देंगे हम न्यूनेटल को, अभी एक बेसिक क्विक रिव्यू चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा इतना ही जान लीजिए। अब आइए आगे बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। तो साइन एंड सिम्टम्स में आप देख पा रहे हैं येलो इज डिस्कलरेशन ऑफ स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन का यहाँ पर हो जाता है, लाइट कलर्ड स्टूल आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, डार्क कलर यूरिन आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, डार्क येलो मीन इचिंग ऑफ द स्किन आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसको हमने प्रूराइटस बोला था पीछे, इचिंग ऑफ स्किन आपको वहाँ देखने को मिली, फीवर, वीकनेस, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट आपको वहाँ पेशेंट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि लीवर डिस्टर्ब हो रहा है तो लॉस ऑफ एपेटाइट वहाँ होना ही है। डायग्नोसिस आप इसको कैसे करेंगे, तो बिलीरुबिन ब्लड टेस्ट आप वहाँ पर करा सकते हैं, जिसको टोटल सीरम बिलीरुबिन भी बोला जाता है, लीवर बायोप्सी वहाँ पर हो सकती है, CBC और हीमेटोक्रिट वैल्यू आप वहाँ पर उसकी करवा सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल उस पेशेंट का चेक करवा सकते हैं, ब्लड ग्रुप ऑफ मदर एंड बेबी दोनों का वहाँ पर करवा सकते हैं, पेरिफेरल स्मीयर वहां पर आप करवा सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल इसलिए जो कि मैकेनिकल आपका हो रहा था ऑब्स्ट्रक्शन वो हो सकता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से, पोस्ट हिपेटिक सिम्टम्स जो आ रहे थे, तो ये इसके बेसिक डायग्नोसिस है, ये सब चीज़ों से आप कंफर्म करवा सकते हैं कि उस पेशेंट को बिलीरुबिन की वजह से जॉइंटिस क्रिएट हो रहा है या कुछ और कंडीशन वहां पर है। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो एक हमारे साइंटिस्ट रहे हैं क्रैबर, जिनको बोला गया, उनका कुछ डर्मल स्कैनिंग के जो उन्होंने बताए हैं, स्टेनिंग जो होती है उसके कुछ उन्होंने लेवल बताए हैं कि अगर एक बंदा है जॉइंटिस से सफ़र कर रहा है तो कहां पर आपको कितना लेवल मिलेगा। तो उसी में आप देख पा रहे हैं एक टाइम में डर्मल जोन लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4 जो कि फिगर में आप देख पा रहे हैं, एरिया ऑफ बॉडी और लेवल ऑफ बिलीरुबिन। तो अगर फेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपको 4 to 6 mg per dl मिलेगा, चेस्ट
अपर एब्डोमेन की बात करें 8-10 mg पर डीएल मिलेगा, लोअर एब्डोमेन और थाई की बात करें तो 12-14 mg पर डीएल मिलेगा, आर्म्स एंड लोअर लेग्स की अगर हम बात करें तो 15-18 mg पर डीएल मिलेगा, पाम्स एंड सोल्स की अगर हम बात करें तो 15-20 mg पर डीएल आपको वहाँ पर उसका बिलीरुबिन का लेवल उस टाइम पर मिलेगा ड्यूरिंग जॉइंडिस। तो गाइज इस तरीके से हमने पूरा का पूरा जॉइंडिस एक कवर करने की कोशिश करी है एक क्विक रिव्यू के साथ में। बाकी आपको अगर कोई क्वेरी है, आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू गाइज़।